आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि लावा रॉक जो कि मेरे हाथ में है, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ में लावा रॉक है और ये बेहतरीन और बहुत ही कहा जाता है इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एक्वेरियम में। रॉक तो एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कई सारा कलेक्शन है जिसमें रिवर रॉक से लेके कुछ बहुत ब्यूटीफुल स्टोन्स होते हैं जो रिवर्स में पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है बलुआ पत्थर वगैरह, ऐसे इनको खींचते हैं तो इनसे बालू वालू भी झरने लगती है, आप लोग देख सकते हो ऐसे हल्का सा कुछ हो रहा है तो जिससे बालू बन जाती है। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रॉक्स होते हैं जो कि अपने नेचर में पाए जाते हैं, कहा जाए तो जंगल में और रिवर्स के आसपास वगैरह भी नेचुरल प्लेस में पाया जाते हैं इजीली। और ये थोड़ा सा इनमें सबके अलग अलग माइनस पॉइंट होते हैं, ये भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि एक तो ये है, आप लोग देख सकते हो इसका शेप और डिज़ाइन एकदम यूनिक दिख रहा है और एकदम डेकोरेटिव आइटम के साथ साथ नेचुरल के लिए लुक के लिए भी काफ़ी यूनिक है। लेकिन सभी स्टोन्स का अपना अपना अलग अलग बेनिफिट्स होता है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं इसके लावा रॉक के। अब उसका रीज़न आप लोग सोच रहे हो कि मैं लावा रॉक के बारे में इतना सारा क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि जो जानते हैं सब लोग बट इनका इस्तेमाल बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। इसका रीज़न बहुत सारे, लावा रॉक ईज़िली मिलता नहीं, ये एक्वेरियम शॉप वगैरह में तो बहुत ही रेयर मिलते हैं और जिनकी स्पेशलिटी होती है वो स्टार्ट की जाए अगर तो मैं करता हूँ इसके वेट से लेके। एक तो ये अपने एक्वेरियम के लिए काफ़ी लाइट वेट होता है, हल्का होता है, इतना बड़ा रॉक है ये। अब कहा जाए तो ये अपन लोग दो रॉक लेते हैं, एक ये लिए और एक ये लिए। ये आप लोग देख सकते हो ग्राम है लगभग 1.5 किलो। अब इसी साइज़ का अपन लोग नॉर्मल रॉक लेते हैं जबकि इससे थोड़ा सा छोटा ही दिख रहा है, देखते हैं इसका वेट कितना है। आप लोग देख सकते ये इसका सकरा भी है छोटा भी बट इसका वेट जो है वो 2.527 ढाई किलो 2 किलो 500 ग्राम मान लेते हैं, मतलब 1 किलो ज़्यादा, जबकि ये इसके अपेक्षा छोटा भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने सारे होल हैं ये पोरस है, मतलब पूरा का पूरा होल ही होल है, जैसे आपका स्पंज होता है फिल्टर मीडिया होता है। तब कहाँ जाए स्टार्टिंग की है इसके बेनिफिट्स की, एक तो जैसे हल्का है, आप अगर एक्वेरियम में रखते हैं तो रिस्क कम है कि आपके एक्वेरियम में नीचे वाला ग्लास टूटने का, कभी गिर गया या हाथ से छूट गया तो बहुत ही कम रिस्क है कि आपके एक्वेरियम टूट सकता है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं तो इस पे जो बहुत बारीक बारीक होल दिख रहे हैं इनके अंदर से, और इनके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं आराम से और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया को रहने के लिए एक घर मिल जाता है जो कि नेचुरल डेकोरेशन के साथ साथ में आपके एक्वेरियम के पत्थर में भी होता है। तीसरे नंबर पे इसका जो बेनिफिट्स होते हैं, आप इसको चाहे तो टॉप फिल्टर या सम्प वगैरह में भी डाल सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्टर मीडिया का भी काम करता है और ये फिल्टर मीडिया एक बहुत ही अच्छे तरीके का होता है जो कि पीएच लेवल से लेके बेनिफिशियल बैक्टीरिया तक को और नाइट्रोजन साइकिल में भी काम आता है, काफ़ी हेल्प होती है इससे। थर्ड नंबर पे इसकी जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती और ये इजीली बहुत सारी एक्वेरियम की शॉप में अवेलेबल होते हैं। मेरे पास जो एक्वेरियम मेरी शॉप में अवेलेबल है वो आप लोग देख सकते हैं, ये सिर्फ मेरे पास इतने ही हैं। अगर आपको इन्हें फिल्टर मीडिया में डालना है तो तोड़ तोड़ के डालने होंगे, डेकोरेशन करना है तो बस आप लोगों को इसको चिपकाने के लिए ड्रिल वगैरह करके भी इसे फिक्स किया जाता है अपने अकॉर्डिंग, जैसा जिसको पसंद हो वैसा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आप लोग इसका कुछ डिज़ाइन सोच सकते हैं, काट के होल करके ड्रिल करके इसका कुछ भी बना सकते हैं। एक सुपर ग्लू आता है उससे कुछ रॉक चिपक भी जाते हैं बट वो मेरे पास है नहीं। अब आते हैं अपन लोग रिवर रॉक पे। रिवर रॉक कहा जाए तो जो मेरे सामने है इसके बेनिफिट्स भी एक स्पेशलिटी है। अब लोग सोच रहे हैं कि इस पर क्या बेनिफिट्स, स्टार्टिंग ये है तो नंबर वन पर आता है कि ये तो इसकी सबसे खास बात ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही नेचुरल लगता है, जिससे मछलियाँ वगैरह इनके साथ में छोटी मछलियाँ खेलती हैं छुपती हैं। मेरे बहुत पुराने रॉक हैं, कई सालों से मेरे पास हैं ये, कहा जाए तो जब मेरी शॉप बहुत पुरानी थी कहीं दूसरी जगह थी, आज भी है। और दूसरे नंबर पे इनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, इनकी थिकनेस होती है बहुत हैवी होती है, इसकी वजह से इसमें वेट ज़्यादा है, हैवी थिकनेस की वजह से, मतलब आपस में ठोस है, मतलब पोरस नहीं है बिल्कुल भी ये दोनों, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स करता है। इसका लोग सोच रहे हैं कि कैसे करेगा, ये जितने ज़्यादा ठोस होती हैं चीज़ें वो उतना ज़्यादा एग्जॉर्ब करती हैं उष्मा को, टेम्परेचर को अपने अंदर एग्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर ये पानी के अंदर इतना बड़ा है और आपका 1x1 का एक्वेरियम है तो अगर एक बार ठंडा हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो बहुत देर तक ठंडा रहेगा, और अगर एक बार गर्म हो जाएगा तो बहुत देर तक गर्म रहेगा। रात को आपके एक्वेरियम का पानी ठंडा हो जाएगा तो ये दिन में गर्म होने में बहुत टाइम लगाएगा,
और रात को एक बार अगर दिन में गर्म हो जाता है तो रात को भी ठंडा होने, मतलब ठंड में आपके एक्वेरियम को गर्म होने में मदद करेगा, गर्मी में आपके एक्वेरियम को ठंडा होने में भी मदद करेगा। साथ में हिडन प्लेस ब्यूटीफुल और नेचुरल रॉक है, तो सीधी सी बात है इसमें कुछ मिनरल्स भी होंगे जो कि आपको फिशेस के लिए बहुत बेनिफिट्स होंगे, उसके बेनिफिशियल होगा और आपके एक्वेरियम के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। मैं आप लोगों से अब ये कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी हुई है। तो आज के लिए बस इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा।